और बोला था कि अगला जो उसका डेफिनेशन है उसको अगले वीडियो में डालूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम सभी को मतलब क्या कहते हैं डिफाइन कर रखा हूँ, डेफिनेशन है आप डेफिनेशन समझे, ठीक है, और पिक्चर भी यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। किरणपुंज ने समझाया था क्या, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। मतलब मैंने आपको पिछली बार में इसका डेफिनेशन दिखा दिया था कि जब प्रकाश एक धूप में चलती है, मतलब एक प्रकार प्रकाश जो होती है उसकी धूप में होता है उसकी किरण, उसको हम क्या कहेंगे, किरणपुंज कहते हैं। और मैंने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अब सारी किरणपुंज डाइवर्जिंग बीम्स, समांतर किरणपुंज पॉलर बीम्स, अभिसारी किरणपुंज कन्वर्जिंग बीम्स, ठीक है। अब देखिए मतलब यहाँ पे अपसारी किरणपुंज, तो इसको मतलब क्या डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्जिंग का मतलब ही क्या होता है कि फैल जाना, डाइवर्ट कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिखाया जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हो, मतलब क्या, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो याद करना बहुत ही आसान है, पिक्चर को माइंड में सेव करें कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या करती है, फैल जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। तो याद करना बहुत ही सिंपल है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। सेकेंड दूसरा था समांतर की पैरेलल, ठीक है। मतलब क्या, इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसा कि पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए, समांतर किरणपुंज का पिक्चर ऐसा, डेफिनेशन फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। तीसरा में हमारा है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज जो होता है अपसारी का एकदम डाइवर्जेंट उल्टा होता है, विपरीत होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है, ठीक है, मतलब क्या, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे देखिए किरण आकर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आराम से हम याद कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। और जो एक दूसरे के समांतर होती है उसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। चलिए देखते हैं हम लोग पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा आता है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। अभी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, यानी पारदर्शी, तो मतलब पारदर्शी के नाम से लग रहा है पारदर्शी, मतलब दर्शी का मतलब, पार का मतलब क्या होता है, आर पार, मतलब इससे उस पार, ठीक है। और दर्शी का मतलब होता है देखना, ठीक है, मतलब इस पार से उस पार देखने का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे, जब प्रकाश आसानी से आर पार अगर कोई वस्तु का होगा तभी तो हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा का वारूप है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रकाश वे पदार्थ जो क्या होगा, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। या हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ये भी कह सकते हैं कि वह ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग आसानी से आर पार देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं या प्रकाश आर पार हो सकता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। जैसे में हवा है, अब हवा यहाँ पे देखिए पूरे रूम में भरा हुआ है, पूरे मतलब इन्वायरमेंट में हमारे हवा, लेकिन हम लोग किसी वस्तु को आर पार आराम से देख सकते हैं, ठीक है। पानी, पानी में हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, कांच, हाँ कांच घसा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर घसा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कांच होना चाहिए जिसको घसा हुआ नहीं होना चाहिए, ना पेंट किया होना चाहिए। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी का। दूसरा है हमारा पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। अब ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की छोटी सी कण, वे पदार्थ जिससे होकर क्या होते हैं, प्रकाश की छोटी सी कण पार कर सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। मतलब क्या, ये नहीं तो मतलब पूरे बंद करेगा और नहीं पूरे को जाने देगा, ठीक है, मतलब अपने से होकर थोड़ी सी, मतलब प्रकाश की थोड़ी सी, प्रकाश घिसा हुआ चीज होना चाहिए, ठीक है, उससे जाने देगा, वो क्या कहेगा,
पारभासी, तो हम लोग यहाँ पर डिफ्यूजन क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की छोटी सी कण पार करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। या जिसे हम लोग धुंधला देख पड़ते हैं, मतलब इसका हम डिफ्यूजन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, वे पदार्थ जिससे होकर हम लोग क्या करते हैं, धुंधला दिखाई देता है, हमें जिस क्या दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, वो सारे के सारे क्या कहेंगे, पारभासी। जैसे में क्या, दूध। अब दूध में अगर हम लोग कोई चीज को देखें तो वहां पे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, और ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा लेकिन कैसा देगा, धुंधला देगा। रक्त आई हम लोगों की बात करते, ब्लड की बात करते, खून, तो खून से भी क्या होती है कि हम लोग कोई चीज को धुंधला, तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज के अगर तेल लग जाए तो उसमें देखेंगे क्या होगा कि आपको धुंधला दिखाई देगा, तो अगर धुंधला दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा अपारदर्शी ऑब्ट्यूज, ये क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ बोला गया वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरती, मतलब इसमें नहीं गुजरेगा, ठीक है, मतलब जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, वे पदार्थ जिसको हम लोग आर पार, जिससे होकर हम लोग आर पार को नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। मतलब अगर प्रकाश नहीं जाएगा आर पार तो उसका मतलब क्या होगा, हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो जैसे में क्या है, लोहा, अब लोहा से आर पार हम लोग किसी कोशिश को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। पत्थर है, दीवार है, पेंट है, ये सब क्या आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे वो सब क्या कहलाएगा, पारदर्शी। तो एक बार चलिए मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ, सॉरी अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या, जिसको हम लोग पारदर्शी यानी आर पार देख सकते हैं, पारभासी यानी जिसमें हम लोग धुंधला दिखाई देता हो, ना पूरा क्लियर बंद हो ना ही पूरा चालू हो, यानी बीच का हो, मतलब धुंधला दिखाई देगा, और अपारदर्शी जिसमें हम लोग आर पार देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें हमारा ये, तो हमारे नेक्स्ट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, मतलब इम्पोर्टेंस एकदम पक्का इम्पोर्टेंस, हमें 100% हम लोग 90% कहते हैं कि एग्जाम में ये आ जाता है, हमें प्रकाश का परावर्तन नहीं तो अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो बताया गया कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि आपने देखा होगा धूप में आईना, धूप में जब आप क्या करते हैं, आईना को लेकर अगर चमकाएंगे तो क्या होगी, आईना की धूप जो प्रकाश आएगी उसकी किरण फिर टकरा कर साइड में चला जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम लोग क्या, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस चल जाती है, ठीक है, दौड़ जाती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब आपकी एग्जाम में पूछा होता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कौन होता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है, पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है, देख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों क्या यहाँ पे है, एक ही तल में है, तो यही बताया गया कि आपतित किरण परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों जो होता है एक तल में होता है, एक तल में होता है। नेक्स्ट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, दोनों क्या है, बराबर है। तो दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पॉइंट्स कुछ यूज हो रहा है कि आपतित किरण क्या होगा, परावर्तित किरण क्या होगा, आपतन बिंदु क्या होता है, ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, सबका डिफिनेशन लोग देखेंगे एक एक करके। आपतित किरण मतलब क्या होगा कि आपतित मतलब आता हुआ, ठीक है, परावर्तित यानी परावर्तन के बाद टकरा कर जो लौटता हुआ वो, फिर होगा अभिलंब और आपतित किरण से बना हुआ कोण आपतन कोण, फिर परावर्तित किरण और ये अभिलंब से बना हुआ कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो सारे हम लोग डिफिनेशन अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट ऑल, आप लोग प्रिपेयर करो, फिर आगे कमेंट करें, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा मैं उस तरह का करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।